हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हम लोग बात कर रहे थे अपने मैप मेकिंग क्लासेस की। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसके कारण से मैप मेकिंग की क्लासेस पोस्ट नहीं की जा पाई थी। इसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है और कंटिन्यूएशन में फिर से ये वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। ये देखिए कुछ लोकेशंस थी जो मैंने आप लोगों को दिया था अपने डे 15 के क्लास के लिए और आई होप आप लोगों ने इसको लोकेट किया होगा। इसमें कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इसमें लिखें कैसे, क्या लिखें एंड सेकेंड थिंग लोकेट कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन इससे आ पाने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, ऑल्दो यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग, लेकिन फिर भी ये जीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि कौन सी हाईएस्ट है। तो देखिए, हाईएस्ट में सेम वही पोजीशन में लिखेगा, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये। स्टेट पीसीएस से भी इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोगों को ये पूरे के पूरे ग्लेशियर का नाम याद रहना चाहिए। चलिए, खैर, तो जीएस हो गया। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपको थोड़े से मैं इनपुट खुद दे दूंगा कैसे करना है। तो ये हमारे कुछ लोकेशंस थे काराकोरम ग्लेशियर में, जैसे सियाचिन हो गया, साइजनी हो गया, हेस्पारा हो गया, ब्याफो हो गया, बाल्टोरो हो गया, शोगोलुंगमा हो गया और खॉर्दोपिन हो गए, फिर रिमो हो गया, पुनमा हो गया, रूपल हो गया, दियामीर हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर एंड जेमू। तो इसको एक काम करेंगे, इसको हम लोग कैटेगराइज करके ही देखेंगे। सिंगल सिंगल एक एक के बारे में लिखने का सच कोई मतलब नहीं है। मैं लोकेशन दिखा दूंगा कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशंस हैं, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा कि ये लोकेशन को आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। चलिए, खैर, जरा इसमें फटाफट देख लेते हैं लोकेशन। तो देखिए, जो आपको ग्लेशियर होती है उसको आप पॉइंट से दर्शाएंगे, ऐसे पॉइंट से दर्शाएंगे। इसका कोई सच स्टैंडर्ड नहीं है लिखने का। अब जैसे अगर बात करते हैं हमारे जो काराकोरम वाले ही है, ये हमारे काराकोरम वाले जितने भी हैं, इनको आप जब दर्शाएंगे, लोकेट करेंगे सारी लोकेशन यहां से। ये सियाचिन है, दिस इज सियाचिन यहां पर। इसके जैसे ये हल्का सा ऊपर जाएंगे आपको आ जाएगा सैजनी, फिर हिस्पारा, यही बगल में आपको बाल्टोरो मिल जाएगी, बियाफो मिल जाएगी। तो मतलब जितनी भी काराकोरम वाली है वो सारी की सारी लोकेशन आपको इस इलाके में मिल जाएगी, इस इलाके में। तो इस इलाके में आपका आ जाएगा काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम ग्लेशियर है। जितनी भी आपकी यहां पर जो लोकेशन है, कश्मीर हिमालय वाली, कश्मीर हिमालय की जितनी भी लोकेशन है, रूपल वगैरह हो गए, सब आपको यहां मिलेगी। जो यहां पर आपकी कह लीजिए कि पीओके रीजन में आ रही होती है, पूरी लोकेशन यहां पर मिलेगी जो बलूचिस्तान एरिया में आ रही होती है, या फिर बोल सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है, बलूचिस्तान नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन में। तो ये बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली कश्मीर हिमालय, यहां पर आप लोकेशन लोकेट कर सकते हैं। जेमू आपका यहां पर हो जाएगा, आपका सिक्किम है, दिस इज जेमू, ठीक है। फिर उसके बाद से गंगोत्री यमुनोत्री आपको यहां पे हो जाएगी, दिस इज गंगोत्री एंड यमुनोत्री, दिस इज गंगोत्री एंड यमुनोत्री, उत्तराखंड में आ जा रही होगी। तो आपको लोकेशन पता चल गई कहां कहां पे लोकेट करना है, क्या करना है। फटाफट इसकी देख लेते हैं 31 जो हमें देखने होते हैं। तो यहां पर देखिए 31 में 1x1 करके यहां पर लिखा गया है, जैसे काराकोरम ग्लेशियर के बारे में, द ग्लेशियर्स आर इन हिमालयन रेंज एंड पर्टिकुलरली इन काराकोरम। तो बेसिकली आपको रेंज बता दी गई है और ग्लेशियर बता दिया गया है, मतलब कि हिमालय की कौन सी पार्ट है। द ग्लेशियर्स आर ऑन द हाइएस्ट पीक विच हैज हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू एज इट लाइज इन द आईज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। तो जो भी आसपास के पाकिस्तान हो गई या फिर चाइना होगी, दोनों की आंखों में गड़ रहा होता है। द रीजन इज अंडर वेरी लो टेम्परेचर एंड कंडीशन आर नॉट लाइफ सस्टेनिंग। तो आप ये पूरी की पूरी जितनी भी हमारी कारक और रिलेटेड ग्लेशियर्स है उनके बारे में यही पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ भी लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। कश्मीर हिमालय के बारे में बात करें, द ग्लेशियर्स आर इन हिमालयन रीजन अगेन पर्टिकुलरली इन द जोन ऑफ कश्मीर हिमालय, इट लाइज टू द डिस्प्यूटेड जोन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अगेन मैंने पीओके रीजन को डिस्प्यूटेड से दिखा दिया यहाँ पर। द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हैज हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू एज वेल एज हाई एनवायरमेंटल थ्रेट। तो अगेन यहाँ पर इन्वायरमेंट को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सिमिलरली आपको उत्तराखंड ग्लेशियर के बारे में आ जाएगा, गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में। यहां पर आप लिख देंगे द ग्लेशियर्स आर इन हिमालयन रेंज पर्टिकुलरली इन कुमायू हिमालय, द ग्लेशियर्स आर हैविंग कनेक्टिविटी विद तिब्बत एंड हैज रिलीजियस वैल्यू एज लॉट ऑफ टूरिज्म कर्म। तो यहां पर क्या है, रिलीजियस वैल्यू काफी ज्यादा हो जा रही होती है, लोग दर्शन करने जा रहे होते हैं एंड वर्शिप। द ग्लेशियर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजी एंड ड्रेनेज एज गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। तो आपको पता होगा गंगा गंगोत्री से निकल रही होती है, यमुना यमुनोत्री से निकल रही होती है, अलग अलग नामों से निकल रही होती है, जैसे अलकनंदा हो गई, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इस तरह से हम लोग देखेंगे ड्रेनेज के फॉर्मेट में।
लास्ट आ जाती है हमारी जेमू, जो कि हमारी सिक्किम ग्लेशियर के फॉर्मेट में है। यहां पर द ग्लेशियर आर इन हिमालयन रेंज, पर्टिकुलरली इन द जोन ऑफ कहां पे, ईस्टर्न हिमालय। इट लाइज इन द ट्रांस तिब्बत इंडिया तिब्बत इंटरनेशनल बॉर्डर एंड एज हाई थ्रेट फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट एज द ग्लेशियर इज क्लोज टू नाथुला पास। तो जब भी कुछ होता है जैसे तवांग वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो पहले नाथुला का जो पास है उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन के रूप में निकल के आ जाती है जो हमारी ये जेमू ग्लेशियर है। तो आई होप आप लोगों को पूरी चीज क्लियर हो गई होगी, ये भी पता चल गया होगा कि इसको कैसे हमें लिखना होता है इफ इनकेस अगर आ जाता है तो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए आपकी लोकेशन है। अब हम लोग पासेज कर चुके हैं, माउंटेन रेंज कर चुके हैं, अब हम लोग करेंगे जरा कुछ पीक के और फॉर्मेट में, कुछ और पीक को देखेंगे। तो आपके लिए लोकेशन डे 16 की है, ट्रांस हिमालयन पीक, हिमाद्री हिल्स, पूर्वांचल पीक, गुरु शिखर, सरकला और धूपगढ़। इसके बारे में आप लोग लोकेट करिएगा इसको और उसके बाद से इसके बारे में आप लिख करके हमें भेज सकते हैं, recognitionis@gmail.com पे भी भेज सकते हैं और भेज सकते हैं हमें टेलीग्राम भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।